कहते जी आजादी तो बाद ना पहला ऐसा संघर्ष हो सकता है पंजाब का जिहड़ा अपने अखी लोगों ने या बजुर्गों ने देखा हो सकता कुछ हो। मैं अपने अखी मेरी घट उम्र है मैं पहली बार इदा का संघर्ष देखा जिद हंजू गैस के गोले और भी किन्ना केड़ी किसान कम्यूनिटी के उपर चलते पे है जड़िया होंदिया किसी भी खिते बारे किसी भी कौम बारे जड़िया अफवाह फैला देनिया ज गल कर देनिया वो बहुत सौखी होंगे ने पर जी असल सच्चाई होंगी वो धरती तो उस खिते विचर के ही बंदा महसूस करता। मैं कह सकता कि सानू कोई दुनिया की ताकत डक ही नहीं सकती साढ़े अपने हक होने तो सानू साढ़े हक जड़े वह मिलने ही मिलने। इस अंदोलन का जोड़ा जोशो खरोश यदि गैदरिंग यदा सलीका यह सारा कुछ जी चीज़ है ना ये बयान नहीं किया जा सकता दसया नहीं जा सकता जिदा गूंगा मतलब मठियाई खा के वह स्वाद नहीं ना दस सकता ये वेखने नाल ही संबंधित चीज़ है। एक पंजाब तो यह है एक पंजाब आस्ट्रेलिया बैठा आस्ट्रेलिया बैठा फिर कनेडा बैठा अमेरिका बैठा दुनिया के हर खिते पंजाबी है जिते पंजाबियों का पैर उत्थे खैर और जिहड़ा उधर का पंजाब है आखण नूं पंज दरिया पर आप तो एको है पंजाब तो एको सी पंजाब तो एको है साडे मित्र साडे दोस्त साडे अदाकार फनकार लोग जिहड़े ने वो भी साडा फिक्र करदे ने वो सानू फोन करके बार बार पुछदे ने कि भाई किदां चल रहा अंदोलन किदां दीआं लैंदे वाले बिल्कुल एक गल है किसी ने कहा कि डांग मारिया कदी ना हुंदे पानी एक तो दो ते कहण सियाणे पवे ना फिक्की अपने लहू दी लोह सो अपने लहू दी जिहड़ी लोह है उन्हें उबाला मारना ही मारना तो साड़ा जिहड़ा इतिहास है वह तुहानू पता ही है कि अणखीला इतिहास आ। जी लगातार किसान अंदोलन की कवरेज तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं तो एक ऐसा मशहूर चेहरा जिन्हों जे यूके यूरोप तुसी अकाल चैनल देख रहे हो तो उधर दी गलियां दी तस्वीरां दी सड़कां ते तुसी टोल वजांदे जिहड़े एक चेहरे नूं देखिया हरदीप गिल साडे नाल मौजूद सीगे और कई पंजाबी फिल्मों के विचो वड्डे रोल बहुत वड्डे वड्डे रोल उन्होंने किए ने खास तौर पर चल मेरे पुत एक दो पंजाबा दी सांझ दी फिल्म करके काफ़ी जो और चर्चित चेहरे ने ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच गलबात करांगे। जी गुरफतेह दी सांझ तो शुरू करते हैं जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। हरदीप गिल जी पुछे हो तुसी अज इस किसानी अंदोलन ते है ना एक स्ट्रगल तुहानू किदां दा इत्थे दिखदा हैगा कि किस तरीके एक संघर्ष असली डेफिनेशन इत्थे कहिंदे पता लगदी हैगी है तुसी अपने लफ्ज़ां दे विचों की डेफिनेशन लोगों तक पहुँचाना चाहो। कमाल हो गई जी पंजाब हमेशा जिहड़ा सानू माण है अपने पंजाबी होण दे उत्ते और साडे गुरुआं दे विरसे दे उत्ते साडे अणखीले इतिहास दे उत्ते और असी हमेशा ही इस चीज़ के उत्ते माण करते हैं और अज होर भी वड्डा जिहड़ा माण सानू ये माण मत्ता माण महसूस होया क्योंकि मेरे दोस्त सरदार हरचंद सिंह जी धारीवाल साहब और हरजिंदर सिंह जी खहरा साहब असी अचानक ही बैठे राती और इन्हों का मैंने फोन आया कि भाजी दिल्ली चलना मैं कहा चलो जी चलते हैं और असी सारे रस्ते एक नवे ही उत्साह के नाल एक नवे ही उमंग के नाल एक बड़े चा दे नाल असी जिहड़ा ना वो पेंडा जिहड़ा मुकाया सानू लगा ही नहीं कि दिल्ली इन्नी दूर है और रस्ते दे विच जिहड़ा असी माहौल देखिया फिर इत्थे आ के जो असी एक जोश जनून प्यार मुहब्बत सांझीवालता अपनत्त देखी आ वो वेख के मैं कह सकदा कि सानू कोई दुनिया की ताकत डक ही नहीं सकती साडे अपने हक होण तो सानू साडे हक जिहड़े आ वो मिलणगे ही मिलणगे। कहते जी आजादी तो बाद ना पहला ऐसा संघर्ष हो सकता है पंजाब का जिहड़ा अपने अखी लोगों ने या बजुर्गों ने देखा हो सकता कुछ हो। मैं अपने अखी मेरी घट उम्र है मैं पहली बार इदा का संघर्ष देखा जिदे विच हंजू गैस के गोले और भी किन्ना केड़ी किसान कम्यूनिटी के उपर चलते पे है गंदे सीवरां दे जिहड़े पाइप जिहड़े हैगे आ कढ़ के उहदे पानी जिहड़े हैगे आ बुछारा किहदे ते हो रहे आ सामने कोई होर नहीं खड़ा कोई मुजरम नहीं खड़ा कोई केड़ी कम्यूनिटी किसान कम्यूनिटी खड़ी हैगी आ। तुहानू लगता है कि पंजाब की एक सब तो वड्डी कम्यूनिटी सब तो जिहदी मोस्ट जिहदे विच सब तो ज़्यादा लोग ने जुड़े ने तुसीं भी कितें ना कितें जुड़े होवोगे इहदे नाल है ना तो एक पंजाबी इंडस्ट्री कह लईए पंजाबी इंडस्ट्री के जब तक खेत नहीं आ जाता वह फिल्म फिल्म नहीं होंगी है ना तो जुड़े होंगे भावें जे बाहर की शूटिंग भी होवे वाली फिल्म भी ले ली आप चल मेरे पुत भी जे पंजाब का सीन जरूर होंगे उस तो बिना फिल्म जी जी कंप्लीट होंगी नहीं उस खिते दे उपर उस किसानी के उपर हथ पिया ताइयो पूरा पंजाब कहिंदे उड़ता पंजाब आई सी अज उड़ता पंजाब लोगों ने वेख ली गुरप्रीत घुग्गी हरिया लफ्ज़ लैके गए आ तुसीं इस बारे की सोच देखो जड़ियाँ होंदियाँ किसी भी खिते बारे किसी भी
कौम बारे जिहड़ियां अफवाहां फैला देनियां जां गल्लां कर देनियां वो बहुत सौखियां हुंदियां ने, पर जिहड़ी असल सच्चाई हुंदी आ वो धरती ते उस खित्ते च विचर के ही बंदा महसूस करदा। जिवें हुण दूर बैठे हाँ किसी नूं लगदा होगा भी उत्थे कोई छोटा मोटा अंदोलन होगा, पर नहीं, ये हुण मीडिया च जदों सारा पता लगा है और जां इत्थे ये जिहड़ा इस अंदोलन का जिहड़ा जोशो खरोश इहदी गैदरिंग इहदा सलीका यह सारा कुछ जिहड़ी चीज़ है ना ये बयान नहीं किया जा सकता, दस्या नहीं जा सकता। जिदा गूंगा मतलब मठियाई खा के उहदा स्वाद नहीं ना दस सकता, ये वेखण नाल ही संबंधित चीज़ है। और दूजी तुसीं जिवें गल की आ कि पंजाब जिहड़ा वो पंजाब एक पंजाब तां इह है, एक पंजाब आस्ट्रेलिया च बैठा, आस्ट्रेलिया च बैठा, फिर कनेडा च बैठा, अमेरिका च बैठा, दुनिया के हर खिते च पंजाबी है, जिथे पंजाबियों का पैर उत्थे खैर। और जिहड़ा उधर का पंजाब है आखण नूं पंज दरिया पर आप तां इको है, पंजाब तां इको सी, पंजाब तां इको है। साडे मित्र, साडे दोस्त, साडे अदाकार फनकार लोग जिहड़े ने वो भी साडा फिक्र करदे ने, वो सानूं फोन करके बार बार पुछदे ने कि भाई किद्दां चल रहा अंदोलन, किद्दां दीआं लैंदे वाले, बिल्कुल मतलब गल करी कि लेंदे दे लेंदे पंजाब और चढ़दे पंजाब नूं रल के एक फिल्म बनाई सी, पेशकारी कीती सीगी, उधरों किहड़े सुनेहे आंदे ने कि उधर दे वी पंजाबी इन्हां पंजाबियां दे नाल कोई दर्द रखदा, कोई कोई रखदा हैगा आपस दे विच भावना? देखो जी, वो सब लोग जिन्हें भी पंजाबियों के खैर खुआ ने, साडे उधर दे पंजाबी भरा, इधर दे पंजाबी भरा, आस्ट्रेलिया दे पंजाबी भरा, जिथे जिथे भी साडे पंजाबी वीर बैठे ने, पंजाबी नहीं बल्कि दूजिया कम्यूनिटियां दे लोग भी साडे नाल जिथे विचरदे ने, और वो सारे ही साडियां जिहड़ियां साडी इस जित की कामना करदे ने और सानू इस गल की वधाई भी देंदे ने, शाबाशी भी देंदे ने कि तुसीं जुलम के खिलाफ जिहड़ा एक डट के खड़े हो। लेंदे वाले पासों की खबर आंदी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अक्सर फोन आते हैं जी सानू, और अज रस्ते आंदे भी साडे नाल वीडियो उन्होंने गलबात हुई और बहुत उन्होंने खुशी इजहार की, और उन्होंने इफ्तिखार ठाकर होरां ने बहुत सारिया दुआवां भेजियां ने साडे सारे अंदोलन के सारे लोगों वास्ते, मातावां वास्ते, बच्चों वास्ते, बीबियों वास्ते, बजुर्गों वास्ते, कि उन्होंने अपील भी की है कि सरकार नूं साडी भी बेनती है कि इन्हां दीआं जिहड़ियां मंगां ने उह मन के इन्हां नूं वधिया ढंग नाल खुशी खुशी जिहड़ा पंजाब नूं तोरिया जाए। यूथ नूं तुसीं किद्दां देखदे हो अज दे टाइम दे विच जिथे जोश नाल काम लैके आया, मतलब कि एक रोकण दी बड़ी कोशिश की गई, सारे बैरीयर पट दिते, दिल्ली दे बिल्कुल कंध ते आके खड़े गए जमा ही, है ना, यूथ नूं किद्दां, मतलब जिन्हों यूथ नूं नशेड़ी कह के प्रचार दिता गया सीगा कि इहनूं परवाह ही कोई नहीं हैगी, इह जी बड़ा रोंग साइड मिसगाइडिड होया गया फिल्मां दे विच इहां दे अंदर उधर किस तरीके, है ना, तुसीं अज उहनूं इस अंदोलन दे विच किद्दां देखदे हो? इह गल आ, किसे ने कहा कि डांग मारिया कदी ना हुंदे पाणी इक तों दो, ते कहण सियाणे पवे ना फिक्की अपने लहू दी लो। सो अपने लहू दी जिहड़ी लो है उन्हें उबाला मारना ही मारना, ते साडा जिहड़ा इतिहास है वह तुहानूं पता ही है कि अणखीला इतिहास आ, जित्तां दा इतिहास है, जज्बे दा इतिहास है, जोश दा इतिहास आ, मिहनत दा इतिहास है, किरत दा इतिहास आ, वंड के खाण दा, सांझी वालता दा, भाईचारे दा जिहड़ा साडा इतिहास आ, और उस इतिहास तों सबक लैके ही वह इतिहास के जिहड़े अंश ने, इतिहास के जिहड़े जीन्स ने, वह साडी पीढ़ी दे विच हैगे ही हैगे ने, वो तो सिर्फ उन्होंने एक मात्र इशारा चाहिदा सी, एक हुलारा चाहिदा सी, ते बजुर्गों की अगवाई ते नौजवानों के जोश दे विच तुसीं देख रहे हो कि साडा जिहड़ा अंदोलन है कितना सफल सिद्ध हो रहा है। तुसी साका ननकाणा दे विच भी जो एक ऐसा लक्ष्मण सिंह धारोवाली का कि जो किरदार निभाया सीगा, और अज भी भाई बरदेव सिंह वडाला हरी भी जो इतने आते हैं ना, तो वो उदों भी इतने आके गल लक्ष्मण सिंह धारोवाली हरी की गल करते होंगे, तो कहते कि वह आवाज़ चुकी सी और बड़ी निम्रता नाल चुकी सी, उन्होंने होर कोई हुड़दंग नहीं किया, उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, यही इधर का किसान का कहते रोल हैगा, इधर के किसान ने शांतमई तरीके अपनी आवाज़ चुकी, सरकार ने रोकया अगे आया, किसी नाल कोई धक्का नहीं किया, किसी ना इतने रोकता सरकार ने, इतने बड़े शांतमई तरीके बैठ गया, बंब के गोले भी खाधे, आंसू गैस के जिहड़े गोले भी खाधे, होर भी बड़ी चीज़ां पुछारा हर चीज़, तो तुहानूं लगता कि लक्ष्मण सिंह धारोवाली तो भी कोई सेहत सानूं अज लैनी चाहिए है, भावें 100 साल तो उपर की गल हो गई, तकरीबन 100 साल की नहीं, बिल्कुल साडा पूरा सिख इतिहास ही गुरु अर्जन देव पातशाह साहब होरां तों वेखो, सबर, सिदक, जोश, कुरबानी, ये जिहड़ा सारे जज्बे ने, और ना किसी नाल वैर रखना, निरभौ निरवैर वाला जिहड़ा संकल्प है उहदे ते अमल करदे आ, साडी नौजवानी जिहड़ी आ उह वी बड़ा अच्छा ढंग नाल काम कर रही, और ये पूरी दुनिया दे विच साबित हो गया सरकार झूठी पै गई है, और साडा जज्बा, साडा पंजाबीयत दा विरसा जिहड़ा वह पूरी तरह उहदी सच्चाई जिहड़ी आ उह दुनिया नूं पहलां वी पता सी, और हुण जिन्हां नूं नहीं सी पता उहनां नूं वी पता लग गया। बिल्कुल जी, हरचरण सिंह जी नाल ने, मैं एक एक मिनट तुहाडे नाल वी लवां, तुहानूं की लगदा की कहना चाहो? बहुत वधिया लगा जी इत्थे आ के, असीं तो वेख के बागो बाग हो गए हाँ कि इन्नी संगत पहली बार वेखी आ, इन्ना जज्बा, इन्ना उत्साह, तो हाथ जोड़ जोड़ के लंगर हर किसी ने आउंदे
सानू रोक रोक के आख्या कि नहीं साढ़े को लंगर जरूर छक के जाओ। बहुत ही ज्यादा उत्साह जी संगत च, सारे अन्नदाता है ही, डेफिनेशन ही आई है सारे छकांदा, अज भी सारे छका रहा। हरिंदर सिंह जी तुसी की कहना चाहोगे, कोई सुने? हाँ हरजिंदर सिंह। हरजिंदर कह रहा, एक्चुअली देखो जी इदा वा, ये सरकार ने धक्का किया किसानी दे नाल, सिर्फ पंजाब दी नाल नहीं सारे देश दी किसानी दे नाल धक्का किया। तो इस धक्के असी बड़ा मतलब इन्हें पुठा पंगा पा लिया, आके बथेरे लोगों नाल धक्का किया, बथेरिया कम्यूनिटी ने धक्का किया। जो तो सिखा दे आई तो सिख आके खलो के साडा इतिहास सानू कहिंदा वी तुसी किसी का जुल्म नहीं झलना, जदों साढ़े ते आई ये सारे जिहड़े साडे बजुर्ग ने किसान आगू ने उठ के खलो गए, तो उन्होंने नाल नाल जवानी आई है, सारे पढ़े लिखे लोग आए ने, सारे मजहबा के लोग आए ने, हर अदारे तो लोग आए ने। तो इस जिहड़ा सेंटर का धक्का, ये तीन कानून जिहड़े आ इह इहनां नूं वापस लेने पैणे आ, इहदे तों बगैर होर हल कोई नहीं। ये आके इत्थे बह गए, बड़े शांतमई तरीके नाल बैठे ने, जिदा तुसीं बड़ा वधिया दस्या लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली दे उदाहरण दित्ती आ, वो उदां ही चले ने। सिख हुण जिहड़े आ मतलब ये पता नहीं कित्थे कित्थे पढ़दे रहे, ये बेवकूफ ने, इन्हां नूं समझ नहीं, ये पता नहीं किदां दी कौम आ। इस कौम ने इन्हां नूं आके दस दिता भी साडे विच जज्बा भी हैगा, साडे च सियाणप भी हैगी आ, असीं जदों साडे हक दी सच दी जिहड़ी लड़ाई आ वो बड़ी टका के लड़ांगे। तो ये चीज़ां इन्हां नूं सरकार नूं रद्द करनियां पैणियां ते हो के रहणियां। भाई साहब ने बड़ी सोहनी गल कही कि सारे अदारे आए हैं, मतलब देखिए कि कलाकार खिते तो होवे, गीतकार खिते तो होवे, राइटर घराणियां तो होवे, धार्मिक जिहड़े संत ने वह भी सारे आए ने। एक संत ने तो जिहड़ा ना कहिंदे कि आपां उहनूं सुसाइड या लोकी उहनूं सुसाइड कह रहे हैं, पर उन्होंने कहिंदे मैं अपनी मेरे को देण वास्ते देह हैगी आ, है ना। बाबा राम सिंह ने उन्होंने अपने देह का त्याग किया, कहिंदे मैं अपने देह का जिहड़ा इहदे विच पांदा वां बलिदान दिंदा वां। वड्डी गल है एक सुसाइड करना, और एक जिस तरीके उन्होंने जो अपने भावना व्यक्त की शहीदी दे विच उहनूं जिहड़ा हैगा ना वह भुगता गया। तो मतलब हर अदारा आ रहा है, भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी हुणे जो धार्मिक रागी ने, है ना, उन सारे जिहड़े हैगे एका दिखा रहे ने। तुहानूं लगता है इस एके दे नाल जिहड़ा हैगा कन्न खुल्लणगे सरकार? नहीं बिल्कुल जी, ये जिस कदर सारी कम्यूनिटी ने और सारे साडे लोगों ने वक् वक् धर्मां दे लोगों ने, मजहबां दे लोगों ने, वक् वक् कम्यूनिटी दे लोगों ने, और सारे ही कलाकारां ने, अदीबां ने, फनकारां ने, हर शोबे नाल जुड़े हुए लोगों ने जिस कदर इस अंदोलन दे विच भरपूरता दे नाल शमूलियत की और जिन्ने जज्बे नाल की है, यकीनन सरकारां की वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां भी सरकारां नूं झुकना पएगा, अज झुक जाण कल झुक जाण, पर झुकना तय है जी। हरदीप गिल साहब साडे नाल मौजूद सीगे, उन्होंने गलबात की, उन्होंने दो साथी इन्हां दे नाल हरजिंदर सिंह और हरचरण सिंह जी साडे नाल मौजूद सीगे, और बहुत सोहणे उन्होंने विचार जो पेश किए। सो यही है कि एका जिहड़ा हैगा रखना पएगा, जिहड़े नहीं जागे कहिंदे उह वी आओ, और स्टेज ते किसानां दे हाथ हक ते भुगतन हक दे विच भुगतन की अपील जो है उन्होंने वालों की जा रही है। सो इस तरीके तुहानूं जोड़दे रहांगे, वेखदे रहो अकाल चैनल।